आपका स्वागत है दोस्तों। हम आ चुके हैं जगदम्बा स्थान में और चलिए यहाँ पे गाड़ी पूजन करवाते हैं और पूजा कर चुके हैं, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। तो मेन रोड से आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं माँ जगदम्बा का मंदिर जो है। चलिए ले चलते हैं, यहाँ पर से जो है आप लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का समय है, इसलिए जो है अभी सारा दुकान जो है ओपन नहीं हुआ है, अभी जो है दुकान ओपन ही हो रहा है। तो चलिए हम आगे ले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है और अंत तक जो है बने रहिएगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है राइट साइड में मंदिर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग आ चुके हैं, ये गेट हो गया और यहाँ पर जो है हम लोग जो है गाड़ी पार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गाड़ी पार्क करने के बाद जो है पूजा का सामान ले रहे हैं, पूजा का सामान ले करके चलेंगे मंदिर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूजा का सामान ले रहे हैं, तब तक आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं अभी भीड़ भाड़ नहीं है और यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आप जो है रसीद कटा करके दर्शन करना पड़ता है, लेकिन जो है हम लोग अभी रसीद नहीं कटवाए हैं, इधर से जो है हम लोग चढ़ा लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो है दे दिए हैं अपना प्रसाद, यहाँ पर जो है चढ़ाया जा रहा है, उसके बाद हम लोग जो है आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जो है चुनरी वगैरह चढ़ा दिया गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है नारियल फोड़ना रहता है, ठीक है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको नारियल फोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो भी नारियल आप चढ़ाने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो पत्थर रखा हुआ है, इस पर आपको मारकर जो है नारियल फोड़ कर चढ़ाना रहता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने भी जो है नारियल फोड़ कर चढ़ा दिया, उसके बाद जो है रसीद कटाए। तो अब जो है रसीद कटवाए गाड़ी के लिए, गाड़ी पूजा भी करवाना था हमें, क्योंकि जो है गाड़ी का भी स्टोरी कुछ इस प्रकार से था, क्योंकि ये हमारा गाड़ी जो है चोरी हो गया था, चोरी होने के बाद जो है ये गाड़ी काफ़ी मेहनत के बाद जो है मिला है मुझे, क्योंकि इसमें जो है गाड़ी का प्रोसेस हुआ, थाना कोर्ट कचहरी सब कुछ करते हुए उसके बाद जो है ये गाड़ी मुझे प्राप्त हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, क्योंकि जो है गाड़ी चोरी होने के उसके बाद जो है यहाँ पर नारियल फोड़ करके हमने जो है पूजा करवाया, अच्छे तरीके से जो है पूजा संपन्न हो गया। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है फटाफट जो है आप लोग को थोड़ा वीडियो फास्ट करके दिखा देते हैं, और हमने जो है पूजा करवाया और पूजा कराने के बाद देखिए यहाँ पर जो है अभी पंडित जी जो है पूजा करवा रहे हैं, फटाफट थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिए हैं इसलिए, क्योंकि जो है आप लोग को बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है गाड़ी का स्टोरी कुछ इस प्रकार से था, क्योंकि गाड़ी चोरी हो चुका था, उसके बाद जो है एक दो दिन बाद कुछ फिर से जो है वो चोर बाइक चोरी करने आया था उसी गली में, तो उसी गली में जो है वीडियो हमारा मिल गया था, तो हम वीडियो सभी को जो है शेयर कर दिए थे। तो उन्हीं में से एक किराना स्टोर वाले व्यक्ति ने जो है चोर को पकड़ लिया और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो हमने जा कर के थाना से जा कर के उस चोर से पूछा, तो चोर ने बताया कि राघोपुर में जो है आपका गाड़ी है, तो वहाँ से मिल गया गाड़ी और वहाँ जा कर के जो है लाना पड़ा, लेकिन जो है पुलिस के माध्यम से वहाँ जा कर के हम लोग ने जो है बाइक को लाया। और उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है आप दक्षिणा दे देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है चलेंगे आगे की ओर। तो चलिए पंडित जी को दक्षिणा दे करके जो है विदा करते हैं, और उसके बाद देखिए गाड़ी अगर आप सभी कभी पुजाते हैं तो क्या क्या करना होता है, तो आपने देखा इस वीडियो में जो है गाड़ी पूजा होने के बाद जो है दक्षिणा लास्ट में देना पड़ता है, तो वो दक्षिणा जो है हमने जो है दे दिया। और उसके बाद जो है गाड़ी के नीचे जो है नींबू रख करके जो है गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी आप गाड़ी अगर पूजा करवाते हैं तो इस तरह से पूजा करवा करके देखिए, नींबू नीचे रखा हुआ है और आगे कुछ इस प्रकार से आगे पीछे करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा पंडित जी ने बताया हमने वैसा ही किया, आगे पीछे करके जो है इसको लगा दिया। और उसके बाद चलिए आप लोग को भी जो है घुमा देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य मंदिर है फर्स्ट में ही, और उसके बाद इधर जो है वैष्णो भगवान का जो है मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरह से जो है आप लोग कुछ दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर जो है बीचों बीच में जो है मंदिर ये बनाया गया है, ठीक है, विष्णु भगवान का, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का जो है ये प्रतिमा देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद जो है हम लोग ने जो है इधर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं घर पे रहते हुए भी। और उसके बाद जो है हम लोग चल दिए इधर, आप
जो है आप लोगों ने भी देख लिया। उसके बाद चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर जो है फोटो वगैरह खिंचाने के लिए भी जो कैमरामैन भी उपलब्ध है, तो आप लोग भी यहाँ आकर के जो है फोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो ये छत बना हुआ अभी देख पा रहे होंगे, 2-3 साल पहले मैं गया था तो यहाँ पर जो है ये छत नहीं था, लेकिन जो अब छत बना दिया गया। और इधर राइट साइड में देख सकते हैं माँ का मंदिर है, यहाँ पर भी जो है दर्शन करते हैं और यहीं पर लोग जो है पेड़ के नीचे जो है मंदिर है तो यहाँ पर जो है पूजा करते हैं सभी लोग। तो चलिए देख सकते हैं इस तरह से जो है अब बना दिया गया। तो हम लोग चलते हैं छत पे, ले चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। छत पे जाने के बाद जो है देख सकते हैं कुछ बाईपास रोड दिख रहा होगा, यानी कि मेन रोड के बगल में ही है। पहले ज़्यादा दूर था लेकिन अब जो है नज़दीक में ही है, क्योंकि पहले घूम करके आना पड़ता था, लेकिन अब जो है 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो है मेन रोड से बगल में है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऊपर से व्यू देख पा रहे होंगे आप सभी। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है व्यू है, तो आप लोग भी देख लीजिए, अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पर मंदिर पे आने के बाद जो है पूजा वूजा हो गया है, और उसके बाद हम लोग जो है छत नया बना है, पहले नहीं था। और यहाँ पर देख सकते हैं कार्य जो है चल रहा है, आप पीछे नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग। ठीक है, तो ये रहा जगदम्बा स्थान का कुछ इस प्रकार से व्यू, और इसी में जो है आप लोग का रसीद कटेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं रसीद काउंटर, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर जो है रसीद काउंटर हो गया। आपको अंदर प्रवेश करने के लिए भी जो है 251 का रसीद कटाना होता है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है रसीद कट के उसके बाद आप लोग जो है अंदर जा सकते हैं। और इसी के पेड़ के नीचे जो है माता का मंदिर है, और यहां पर देख सकते हैं हवन हो रहा है। और देखिए दूसरा रास्ता इधर से भी है, आगे से घूम करके अगर ये बाईपास से आप लोग अगर जाते हैं तो आगे से आने के बाद जो है इधर से गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और चार चक्का अगर पूजाना हो तो इधर से आइए, आराम से गाड़ी पार्क करके पूजा करवा सकते हैं, इधर से आसानी से आ सकते हैं सामने से। और दूसरे रास्ते से हम लोग जो है उतर रहे हैं, उसके बाद चलिए आप लोग को बाहर का कुछ व्यू दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं होटल वगैरह, अभी सुबह का टाइम में हम लोग गए थे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं देखने को मिला, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है पूजा कर लिया। और सुबह में ही जाना बेटर होता है हम लोग के लिए, क्योंकि जो है सुबह में आराम से जो है भीड़ भाड़ नहीं था, और आराम से हम लोग पूजा करके उसके बाद जो है होटल में जा करके बस एक नाश्ता किए, गरम गरम समोसे था तो वहाँ पर जो है नाश्ता कर लिए। तो नाश्ता भी क्या किए हैं तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है दुकान लगाया जा रहा है, सभी लोग जो है अपना अपना दुकान की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है इस होटल में गरम गरम देखा, तो यहाँ पर चाट खाने के लिए पहुँच गया और चाट खा करके जो है यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।